मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन असली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर खाद और कीटनाशक के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन असली के जिलाध्यक्ष वीर सिंह विश्नोई ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से किसान परेशान है। किसान पहले से ही बड़ी महंगाई से परेशान है, बावजूद इसके सरकार डीएपी खाद और कीटनाशक दवाओं के दाम लगातार बढ़ा रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इसके अलावा सरकार आए दिन डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिसके चलते किसानों को फसल की सिंचाई करने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में कम बारिश होने से धान की फसल सूख रही है, सरकार जिले को सूखाग्रस्त घोषित करके किसानों के ऋण माफ करे, साथ ही 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्या को दूर नहीं करती है तो किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। हम संबंधित एक तो सूखाग्रस्त हमारी फसलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, दूसरा हमारा यह है जो हमारे ट्यूबवेल है सिंचाई, जो ट्यूबवेल सिंचाई करते हैं उन पर मीटर लगाए जा रहे हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं, चिप द्वारा सिस्टम बताया जा रहा है कि उन पर चिप लगी, प्राइवेट होने जा रहा है सिस्टम, मीटरों की मांग कर रहे हैं, मीटर हमारे ट्यूबवेलों पर नहीं लगनी चाहिए। तीसरी बात, सूखाग्रस्त नहीं हो पा रहे हमारे फसलों, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आपकी बार बारिश नहीं हुई और हमारी फसलें सूख गई, धान भी सूख गए, हमारा गन्ना भी सूखा पड़ा। समस्या ये, एक समस्या ये है कि अगर हमारा गन्ने का रेट भी कम से कम इस समय में लागत के अनुसार कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल का रेट होना चाहिए हमारे गन्ने का, तो हमारी लागत लौटती है। इस समय बहुत बड़ा नुकसान है गन्ने, हमें कोई बचत नहीं है, हानि हानि है हमें। पिछली बार भी हमारा धान साहब मारा गया था, आपकी बार सूखे से मारा गया, पिछली बार बारिश से मारा गया धान हमारा, हमारी कोई सुनने, हम डीएम साहब के ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी की दिन दिया है, राज्यपाल जी की दिन दिया हमने ज्ञापन, लगभग आज तो हम किसान कम आए, हम ज्ञापन देना है 10-20 किसान हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी मीटिंग जो होती है वो 1,000-2,000 से कम में नहीं होती, और ये हमारी जारी रहेगा संघर्ष, जब तक जारी रहेगा तो हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। तो पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, दूसरे सूखाग्रस्त घोषित करने के उपरांत 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और कृषि संबंधी जितने भी ऋण हैं वो माफ़ किए जाएं। आगे एक बिल पास करा था बिजली संशोधन बिल, मीटर लगाए तो मीटर वगैरह लगाए इन्होंने, तो हमारी मांग राज्यपाल जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से दोनों से ये है कि इस बिल को निरस्त करा जाए तुरंत। ट्यूबवेल पे जो ये मीटर लग रहे हैं, ट्यूबवेल पे जो मीटर लगाने शुरू कर दिए ये हटवाए जाएं, इनसे बहुत बड़ी हानि है।